हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको अपने गांव में बहने वाली सतलुज नदी की सैर करवाती हूँ। चलो नदी की तरफ। ये है सतलुज नदी जो मेरे गांव में बहती है। इस तरह मैं नदी के किनारे पहुंच चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे कि नदी का जो बहाव है और प्रवाह है वो बहुत ही ज्यादा है। सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है, जो बारहमासी नदी है, जो बारह महीने बहती है। इस नदी का प्राचीन नाम शतुद्री है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास में, और किन्नौर में एंटर करती है सबसे पहले। उसके बाद यह नदी रामपुर में, और जो रामपुर शहर है वो पूरा शहर इस नदी के किनारे ही बसा है। उसके बाद यह शिमला में प्रवेश करती है। शिमला में यह नदी सुन्नी होते हुए तातापानी में प्रवेश करती है। जो सुन्नी शहर है वो भी इस नदी के किनारे बसा है। तातापानी है वो एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति का जो त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी दूर दूर से आते हैं और बोटिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जीके में क्वेश्चन भी आता है कि जो तातापानी जगह है वो किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है गर्म पानी के चश्मे के लिए। इसके बाद इस नदी पर कोल डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है, जो 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो भारत सरकार और विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। इसके बाद यह नदी सोलन में प्रवेश करती है। सोलन के बाद बिलासपुर में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंद्रौर पुल बना है, जिसकी ऊंचाई है 280 मीटर। इसके बाद यह नदी पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में इस नदी पर एशिया का सबसे बड़ा बांध बाखड़ा बांध बना है। यहाँ इसके आगे यह नदी व्यास नदी के साथ मिल जाती है और यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। इस तरह मैंने आप सभी को आज अपने गांव में बहने वाली नदी सतलुज नदी के बारे में बताया कि वो नदी कहां से निकलती है और कौन कौन से स्थान से होकर बहते हुए अपने अंतिम स्थान तक पहुंचती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।